थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए. आई एम एकता जैन एंड वी आर हियर टू लॉन्च समथिंग वेरी अमेजिंग. ओके, सो डायमंड रिंग. अब आप सब लोग सोच रहे होंगे डायमंड रिंग तो सबको पता है, लेकिन इस गाने के बाद सारे लड़कों की जेब थोड़ी सी कटने वाली है, बिकॉज सारी लड़कियां अब बोलेंगी मुझे चाहिए डायमंड रिंग. ये जो एल्बम है माइक, क्या हो रहा है माइक? ओके, ये जो एल्बम है इसको फीचर कर रहे हैं, इसमें फीचर कर रही हैं हमारी प्यारी अरश खान, अदनान शेख, पाकी हेगड़े. और आपको बता दो, पाकी हेगड़े ने ये फर्स्ट टाइम इसमें गाना भी गाया है. प्रोजेक्ट डिजाइनर है अक्षय कैलर, सिंगर है अजय, कंपोजर है अजय संजीव, ऑडियो है वाइट बिलियनियर रिकॉर्ड्स पे, प्रोड्यूस बाय मनोज लाखानी. और अब हम सबसे पहले काम करते हैं, और ज्यादा वेट नहीं करते हुए सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं. हाउ्स दैट साउंड? यस, ओके, लेट्स प्ले द वीडियो डायमंड रिंग. अदनान जी आइए, अजय, अजय संजीव जी, अक्षय, अक्षय कैलरे, अक्षय अग्रवाल, प्लीज कम, प्लीज कम. Who are you, man? You looking? Yeah. Okay, अब हम बुलाते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर मनोज लखानी जी को. ये सर किसका रहा यार, कितना नीचे करो. एक हमारे लखानी जी हम जानते हैं ब्राइट वाले, ये दूसरे लखानी जी हैं. अरे वाह, एक और लखानी जी आगे. ओके, सबसे पहले हम पूछेंगे आपको बता दें कि ये वाइट your time. I think special thanks to the team. They have pulled this off. A beautifully executed project. Itne kam time mein unhone pull off kiya hai. I think it'll be injustice to every one of them if I miss out anyone's name. So it's a complete team effort. I'm really proud of them. Bahut acha bana hai. Already close to a million views already. Such a short time. बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हो रही है और इसकी मेहनत रंग ला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक हमारा कॉन्सेप्ट यही था, इस कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई थी वो ये सोच के हुई थी कि इतना टैलेंट है इस कंट्री में, एंड इतनी बार हम देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है वो एक मिसिंग है, जिसमें हमने देखा आपके इंडिविजुअल लोगों को देखिए, सब अपने अपने फील्ड में माहिर है, बट व्हेन यू कोलैबोरेट एंड यू ब्रिंग ऑल दीज जीनियसेस टुगेदर, आई थिंक इट क्रिएट्स मैजिक एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव सीन. सो ग्रेट जॉब गाइस, ऑल द बेस्ट. डायरेक्टर जी से अक्षय अग्रवाल जी से जो कि हर लोग जुड़ सके उससे, और बहुत चीज़ होती है कि नई नई चीज़ें लव स्टोरी जुड़ती हैं, कहीं हम जाते हैं क्या पता हमें कोई नया पार्टनर ना मिल सकता है, तो वो एक स्वीटनेस, एक क्यूटनेस दिखाने का हमारा मोटिव है, और आई थिंक हम वो दिखाने के लिए तक सफल भी हुए. एंड जो उन्होंने एक्टिंग करी, जिस तरह उन्होंने उसको निभाया है, उसको उनकी एक्टिंग फैबुलस है. Hello guys, hello. Hi everyone, thank you everyone to all. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही एफर्ट दिया सबने, स्पेशली अजय संजीव जी, हाय नीचे जा नीचे, काफी स्पेशली सबको थैंक यू हो, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी चीजें हुई है जो आपके सामने है, काफी आपने देखा है जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है काफी अच्छा आ रहा है, सो प्लीज सपोर्ट for that song. Thank you guys, thank you.
Hi everyone. First of all, thank you so much for such a great response. शादियों का सीजन है तो हमने सोचा एक क्यूट लव स्टोरी बनाते हैं. अदनान और अरिशा फर्स्ट टाइम पेयर हुए हैं एंड इनकी जोड़ी सुपर हिट है गाइस. इनके ऊपर हम और वीडियोस आएंगे बैक टू बैक एंड जितने प्यार से हम लोगों ने गाना बनाया है उतना ही प्यार ऑडियंस दे रही है इसको. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बाकी जी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. मैंने जब ये गाना मुझे मिला तो सरप्राइज थी बिकॉज मैंने सिंगिंग कभी की नहीं थी, लेकिन ये कन्विक्शन था कहीं ना कहीं संजीव श्रीवास्तव जी का कि आप संजीव जी का आई एम सो सॉरी वो उनको फेथ था कि मैं ये गाना अच्छा गा पाऊंगी एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर गिविंग मी दिस सॉन्ग. I will remain always and recognizing me as singer for the first time in my life. Thank you, Ajay ji. We have done in combination. We have done a wonderful job. इस गाने को compliment करते हुए आज के youngsters and cute looking Adnan and Arishwa, they have done immensely great job. So hats off to them and I'm sure this song is rocking and many more to come. Thank you so much everyone on the team, our director Akshay ji, सबसे ज्यादा effort जो रहा है वो इनका रहा है जो भाग रहे हैं. इन्होंने सबसे ज्यादा effort किया है और हर चीज इतनी सारी problems production में हमेशा आती है but हर चीज final होके होती है जब गाना hit होता है. So I really hope we get all the love from you. Thank you so much आप लोग सब लोग यहाँ पर आए और प्लीज इस गाने की बहुत तारीफ करिएगा. अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. बाकी गुप्ता जी आपने बहुत अच्छा गाइस आपने गाना सुना एंड बुक लाइन में आपको सबको मजा आया होगा क्योंकि हमारी सोच थी कि कुछ इस तरह से लेकिन उसने आज की वीडियो बड़ा टॉगेटिव बोल दिया. तेरे टैडी दा टशन साडे नाल ये सबका होता है. और तेरी मम्मी मेनू कहंदी है कंगाल ओनू दस दे तू जाके सोनियो मेरी सोनी तू मैं तेरा महिवाल. अरे प्लीज करो तेनू डायमंड रिंग पहना के तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं काले जाऊंगा तेनू डायमंड रिंग पहना के तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं काले जाऊंगा पहना के मैं काले जाऊंगा तेनू डायमंड रिंग पहना के तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं काले जाऊंगा. तो गाइस ये कहानी सब की है कि उसकी मम्मी और पापा कल्लाल और कृष्ण रखते रहते हैं एंड द मोस्ट क्यूटेस्ट कपल इस साल के में आई विश ये काउंट हो मोस्ट मेमोरेबल एंड पूरी टीम का थैंक्स इन्होंने फेस किया कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर मिस्टर मनोज. एक बार और ऐड करना चाहूंगा बहुत सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स आए हैं which आप जैसे जैसे गाना सुनते सुनते कमेंट्स भी फ्लिप करेंगे आपको बहुत मजा आएगा. जो सबसे अच्छा मुझे कमेंट पर्सनली लगा वो दुबई से आया और उन्होंने कहा आजकल सीक्वल्स का जमाना है जिस तरह पिक्चरों के सीक्वल आते हैं क्यों ना ये डायमंड रिंग का वेडिंग रिंग बनाया जाए. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉमेंट. पॉइंट भी यहाँ पे हम नहीं रुकने वाले ये सिर्फ एक शुरुआत है. कोशिश यही रहेगी अच्छे से अच्छे टैलेंट को साथ में लेके आया जाए एंड जितना हो सके हम कंटेंट क्रिएट करेंगे और हमारी कोशिश पूरी ये रहती है कि कंटेंट अच्छा होना एक बात है बट सिचुएशनल होना चाहिए. तो कंसीडरिंग जैसे संजीव जी ने कहा वेडिंग सीजन है तो डायमंड रिंग और शादी के रिलेटेड बहुत ऐप था एंड दैट्स व्हाई वी फाइनलाइज्ड. वी'd लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस. द बिलियनेयर इन द नेम रिफ्लेक्ट्स द बिलियन पीपल ऑफ इंडिया सो देयर आर बिलियन एस्पिरेशंस. वी'd लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस एंड वी'ल ट्राई एंड कम अप विद कंटेंट दैट अभी तक सबसे ज्यादा मतलब ये जितने भी लोग खड़े हैं सबके ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन में 200 से ज्यादा फिल्में की हैं काशी जी ने एंड ये काशी जी के साथ में टीम है. काशी जी का बहुत जंगल काशी जी दो वर्ड बोलेंगे अपनी टीम के साथ. दो वर्ड बोलना पड़ेगा
ये ऐसे लोग होते हैं पर्दे के पीछे के कलाकार जिनके ये शब्द भी बहुत मायने रखते हैं। अरे गाते हैं शर्मा के लिए उन मेनू डायमंड रिंग पहना के मेनू डायमंड रिंग पहना के ले जा तेरी नाल मेनू डायमंड रिंग पहना के ले गाइस क्लियर कर सकते हो एक दो मिनट के लिए आपको एनर्जी आती है ऐसे मेनू डायमंड रिंग पहना के मेनू डायमंड रिंग पहना के ले जा तेरी। थैंक यू गाइस थैंक यू। उधर इधर से ले लो विजुअल वाला। हाउ इज द फीलिंग? यस पहला सोलो है आई नो। ये फर्स्ट म्यूजिक वीडियो मेरा और इससे पहले भी किया हूँ मैं मेरे भाई के साथ नहीं किया हूँ हेल्प किया हूँ और मेरे घर के फैमिली के साथ आया था सॉन्ग और ये सोलो है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं जब कमेंट देख रहा हूँ तो बस कमेंट स्क्रॉल करने का मन कर रहा और पढ़ने का मन कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एडी लवर्स इन सपोर्टिंग यू लव यू वीडियोस बनाना मत भूलना जो भी लोग देख रहे हैं। ओके अभी लग रहा है पहला वीडियो। मैं भी भूल गया था बोलना। थैंक यू सो मच पूरी टीम अक्षय भाई तो ये गाने में इतने सारे ए जुड़े हुए ना अरिश्मा अदनान अक्षय अक्षय अजय तो सब ए ए बहुत ए गाने में तो उसको ए प्लस कर दो गाने में और बहुत ही अच्छे है। थैंक यू सो मच जितने भी लोग हैं साथ में यहाँ पे खड़े सबको मैं एक एक करके सबको भूल जाऊँगा अभी तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ जितने भी थे गाने में जितने भी अपना इनपुट दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया दिन से और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोग को भी अच्छी लगी। थैंक यू
सोच के ये प्लान की गई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि इतना टैलेंट है इस कंट्री में, इतना टैलेंट, और उसको कभी कभी प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कंटेंट बेस्ड म्यूजिक वीडियोस कंटेंट प्रेजेंट किया जाए एक एक क्रिएटिव तरीके से। बहुत बार अच्छा कंटेंट होता है बट उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हम खुद नर्वस थे बिकॉज हमारा पहला वेंचर था, बट आई थिंक जो रिस्पांस मिला है, आई थिंक हार्डली 6-7 घंटे नहीं हुए रिलीज होके, जो रिस्पांस मिला है उस खिलाड़ी की तरह फीलिंग आ रही है जिसका डेब्यू मैच होता है और पहले गेम में वो अच्छा स्टार्ट कर जाता है, तो एक हौसला बन जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इंडिया भर से लोगों को ढूंढ के अच्छा अच्छा कंटेंट को प्रेजेंट किया जाए। ऑलरेडी अरिश्वा एंड अदनान ने अनाउंस किया है अपने टिकटॉक पे कि जो जो लोग इस गाने को क्रिएटिवली प्रेजेंट करेंगे हम लोगों की नज़र है उन पे। हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है जो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन करेगा उन्हें अगले वीडियो में फीचर करने का मौका मिलेगा। एंड दिस इज़ अ चांस, यू डोंट हैव टू बी अ सेलिब्रिटी टू फीचर। It's a great opportunity. We are very excited and we need your support and blessings. Thank you guys. शादी की सिचुएशन थी तो हमें एक क्यूट लव स्टोरी बनाना था, that was the situation given to us. तो that's how ये आइडिया आया और हमें लगा द बेस्ट पेयर जो हमको लगा अदनान अरिश्वा, दे आर द क्यूटेस्ट कपल इन टाउन। तो पहली बार उनको हम लोगों ने पेयर किया है साथ में एंड रिजल्ट आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड आई विश ये गाना 100 million जाएगा। थैंक यू गाइज। थैंक यू गाइज। एक्चुअली जिस टाइम हम लोगों ने गाना बनाने का सोचा तो आया कि जो आज की जनरेशन बड़ा टॉकेटिव लहजा यूज़ करती है, हमने उसको दिमाग में रख के बनाया कि तेरे डैडी दा टशन साडे नाल, तेरी मम्मी मैनू कहंदी कंगाल, ये लगभग हर यूथ की कहानी होती है और वो इस तरह से एक्चुअली उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। मतलब मोहब्बत की रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं, ये बड़े टफ होते हैं थोड़े, तो हमको लगा कि इसको एक मतलब एक मज़ेदार तरीके से बनाया जाए, इसमें ज़्यादा नफरत नफरत ना हो, प्यार भी बना रहे। एंड जैसे सगाई शुरू आते प्यार में एक डायमंड रिंग की ज़रूरत होती है, वो हमने अपनी हुक लाइन रख दी, मैनू डायमंड तेनू डायमंड रिंग बना के मैं ता ले जावंगा। ये कहानी यदि बाकी अब आप लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपसे, और बहुत मेहनत की है सबने, स्पेशली मेरे डायरेक्टर जो काफ़ी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा। इनके बिना ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि मैं आई लिव इन दिल्ली एंड हम वहाँ दिल्ली से मुंबई प्लान कर रहे थे, बहुत ही मुश्किल होता था। तो बीइंग अ डायरेक्टर मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू नो, बट मेरे ना होते हुए भी द पर्सन हु हैंडल एवरीथिंग वेरी क्लियरली वेरी फैबुलसली इज द मैन। थैंक यू। इनके बिना ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल था। यार हमने मनाया प्रोजेक्ट, जो हमने स्टोरी प्लान की थी, जो हमने सब थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। सो सबसे पहले वी विश संजीव चतुर्वेदी एंड अजय बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस लवली सॉन्ग डायमंड रिंग। क्या चाहिए और लाइफ में बॉस? संजीव भैया ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि अगर अजय जी डायमंड है तो संजीव जी रिंग है, और अगर संजीव जी डायमंड है तो अजय जी रिंग है। आई थिंक दे हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल सॉन्ग एंड ये गाने का जो हुक है डायमंड रिंग, मुझे लगता है ये बहुत पॉपुलर होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे थे ये गाना यहाँ बज रहा था एंड एवरीबडी वाज डांसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, ग्रेट जॉब, एंड टू हैव अ न्यू म्यूजिक कंपनी फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, यस आई थिंक इट्स अ ग्रेट 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 आइडिया एंड वी विश ऑल ऑफ द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स रॉक 2020। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है सोलो का, ग्रुप सॉन्ग कर रहा हूँ इससे पहले, और इससे पहले थोड़ा सा मेरे भाई के उसमें मैं थोड़ा सा आया था धर्म में, तो ये मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के कमेंट जब पढ़ने बैठ रहे तो ऐसे कर रहा है बस स्क्रॉल करके कमेंट पढ़ते ही रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। और वाइट बिलियन रिकॉर्ड के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टीम वर्क किए सब एक दूसरे से कॉपरेट किए, और सबका जितना हम लोग का इनपुट है उतना बाकी पूरी टीम का भी इनपुट है, बाकी पूरी टीम अगर नहीं इतना हार्ड वर्क करती तो शायद इतना अच्छा गाना उठ के नहीं आता।
और इसका आप क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि मुझे ये सॉन्ग करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये सॉन्ग बहुत प्यारा है, वेडिंग सॉन्ग है एंड मुझे सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैंने इस पूरी टीम के साथ पहले भी काम किया है तो ये लोग मेरे और भी बहुत खास है एंड ये लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड ये बहुत क्यूट लव स्टोरी है एंड सब हमने जब देखा सबने देखा तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे, लोग बहुत अच्छा कह रहे गाने को, जोड़ी को एंड आवाज को, स्टोरी को, सो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बस यही दुआ है कि ऐसे प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, बस इतना ही कहना था। अगर आप गाना देखें तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड जो जो हमारे गाने को देखा है हमने एक चैलेंज रखा है कि आप सब टिकटॉक पे वीडियोस बनाए, जो भी वीडियोस बनाएगा और हैशटैग यूज करेगा डायमंड रिंग चैलेंज और जो टैग करेगा हैशटैग डायमंड रिंग चैलेंज और हम लोग को टैग करेगा, जो फर्स्ट पे रहेगा फर्स्ट से 10 विनर्स को लकी विनर्स को गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे और जो फर्स्ट विनर रहेगा उसको नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में फीचर भी किया जाएगा और साथ ही साथ दुबई का एक ट्रिप भी मिलेगा फ्री वो कपल को। सो प्लीज आइए और जल्दी जल्दी टिकटॉक वीडियोस बनाइए हमारे गाने पे एंड या थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, लव यू बाय, लव यू ऑल। बाकी जी आपने फिल्मों में काम किया है, अभी पहला काम है जिसके बाद में क्या करना चाहिए? मेरे लिए पहला सफर है एज अ सिंगर बट जब संजीव जी ने कहा एंड आई जस्ट गेव हिम द वोकल्स वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि मुझे इसी तरह के वोकल्स चाहिए थे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम टू गिव मी दिस ब्रेक। ऑल्सो बहुत सारी मूवीज़ में मैंने काम करके देखा हुआ है, पहली बार एज अ सिंगर जब पर्दे पे आ रही थी तो एक अलग खुशी महसूस हो रही थी। आप सभी लोगों का प्यार चाहिए और मैं इस टीम के हर एक मेंबर को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना एफर्ट डाला और स्क्रीन पर हमारे दो जो परफॉर्मर्स हैं आर्टिस्ट हैं इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया हुआ है और इनका अपना टिकटॉक में एक अलग फेम और नेम रहा है, लेकिन अब इस पर्दे पे भी इन लोग करिश्मा दिखा रहे हैं और आप देखेंगे ये गाना मुझे जितना समझ में आ रहा है बहुत धूम मचाएगा एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर दीज यंग किड्स दैट यू शुड जस्ट वॉक, यू आर रियली डूइंग सो गुड, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल टीम मेंबर्स, डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर मनोज लखियानी जी, संजीव जी, अक्षय जी और जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं, अजय जी, उन सबको जी, अक्षय अग्रवाल, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये गाना इतना प्यारा बनाया है और आई एम श्योर यू ऑल वुड जस्ट एंजॉय। आपका सपोर्ट चाहिए, जितना आप हमारे बारे में पॉजिटिव लिखेंगे उतना लोगों तक हम पहुँच पाएंगे, सो प्लीज़ सबको प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। माइक पे बोलो साइलेंट करने से टाइम है अभी बहुत टाइम है, पहले देरी होगी शादी, मैं भी पचास साल हो चुकी है और अभी हम लोग लड़के सुन रहे हैं
लड़की तो अदनान की शादी याद आ रही अभी हंसते भी बनाएगा वीडियो की शादी से लूज बम जाए मैम तो अरिश्मा की एक्टिंग कैसी लगी बहुत अच्छी दुल्हन बहुत अच्छी एक्टिंग मैम के एक्सप्रेशन तू तो बोल चादन 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 चादन